नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंटरमीडिएट के वैसे छात्र जो सेकंड सूची का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, अपना सेकंड कट ऑफ लिस्ट का जो इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो है आप लोगों का सेकंड कट ऑफ लिस्ट जो है आप लोगों का जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग दोस्तों बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के सत्र 2020 से 22 में एडमिशन लेने जा रहे हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट सेशन 2020 से 22, तो आप लोगों का सेकंड कट ऑफ लिस्ट, वैसे बच्चे जिनका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो अपना सेकंड कट ऑफ लिस्ट में अपना जो है जो भी है अपना नाम वगैरह देख सकते हैं, कहाँ अगर उनका जो है क्या आया है, कौन सा कॉलेज मिला है नहीं मिला, सारी डिटेल जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन जो वेबसाइट है OFSS, उस पर सारी डिटेल जो है आप लोगों को दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं पहले से ही जो है दोस्तों वहाँ वेबसाइट पे हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया की जो वेबसाइट है दोस्तों वो OFSS करके है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो है दोस्तों ये फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है। अब नीचे में आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो है सिलेक्शन लिस्ट मतलब सेकंड कट ऑफ लिस्ट जो है आप लोगों का दे दिया गया। तो अब जब ये आप इसको क्लिक करिएगा, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोगों को एक पेज खुल जाएगा, आप लोग अपना चुन लीजिए दोस्तों कैसे आपको चेक करना है अपना कट ऑफ लिस्ट, सेकंड कट ऑफ लिस्ट। तो अगर आप लोग दोस्तों जिस स्कूल से पास हुए उसी में आप अपना एडमिशन करवा रहे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, या दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों जिस स्कूल से पास हुए हैं किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए दोस्तों आप उसी स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। क्या दोस्तों, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के, मान लीजिए आप लोग जो है दोस्तों क्या है पटना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को सेलेक्ट करके बताता हूँ, नीचे में देखिए यहाँ पे दोस्तों पटना आ गया, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। चलिए जब ये आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको इसके बाद क्या करना है दोस्तों, सो पे क्लिक करिएगा तो आप लोगों का सारा कट ऑफ लिस्ट जो है दिखा देगा। चलिए दोस्तों नीचे में देखिए पूरा हमारा कट ऑफ लिस्ट जो है पटना का जो है सारा आ गया, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए सेकंड कट ऑफ लिस्ट जो है ये सारा हमारा दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो भी है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा हमारा कट ऑफ लिस्ट जो है दे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस कॉलेज में कितना दिया हुआ है आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ डिटेल ऑफ सेकेंड कट ऑफ सिलेक्शन कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स, ठीक है दोस्तों, स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट, आप लोग जो भी सब्जेक्ट दोस्तों इंटर में चुन रहे हैं मैं आप लोगों को देखना बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप मान लेते पटना का ये स्कूल है प्लस टू हाई स्कूल नदवन मसौरी पटना। ठीक है दोस्तों, इस स्कूल का जो कोड है 17134, ठीक है दोस्तों, ये आर्ट का है। ठीक है, तो आर्ट का मैं बताऊँ दोस्तों, आर्ट में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यह देखिए समान जाति के लिए दोस्तों 36.20 है और जो अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों ये मार्क्स का परसेंटेज है। ठीक दोस्तों, इतना परसेंटेज होना चाहिए आप लोगों को तो ये एडमिशन मिलेगा। अनुसूचित जाति के लिए नहीं है दोस्तों, अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए, पिछड़ा जाति के लिए इतना है दोस्तों, समान जाति के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए कोई नहीं, वो अपना एडमिशन अगर पास है तो आप लोगों का परसेंटेज नहीं खोजा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से साइंस में दोस्तों समान के लिए इतना, और आपको कि कोई भी मार्क्स है तो अपना जो सीट बहुत सारा खाली है तो अपना करा सकते हैं। अगर दोस्तों 49.80% मार्क्स है आप लोगों का जो मतलब कि दोस्तों जिस सब्जेक्ट जो अपना रखना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों को ये एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरे अगर आप लोगों ने इतना मार्क्स पाया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहीं कॉमर्स में दोस्तों 53.20 जो है मार्क्स है जनरल के लिए जो। ठीक है दोस्तों, और सारी चीज़ें आप लोग इस तरह से अपना परसेंटेज मार्क्स जो है देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे आवे मैट्रिक उसी जो है पास्ट मैट्रिक सेम स्कूल। ठीक है दोस्तों, सेम स्कूल के लिए ये परसेंटेज कट ऑफ दिया हुआ है स्ट्रीम वाइज। ठीक है दोस्तों, तो अपना मिला लीजिए आप किस स्कूल में आते हैं दोस्तों, किस स्कूल में आप लोगों ने भरा है और किस स्कूल में जो कट ऑफ है, अगर आपको कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है या कट ऑफ वाले मार्क्स हैं तो आप जाके यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन किस तरह से करना है दोस्तों मैं वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। चलिए आप लोगों को, चलिए
चलिए दोस्तों मैं एडमिशन के बारे में बताता हूँ किस तरह से आप लोगों को एडमिशन करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, आवेदक इंटरमीडिएट कक्षा में अपने चयन और नामांकन से संबंधित विद्यालय और जानकारी प्राप्त करें, अपना सूची सूचना पत्र इंटीमेशन ठीक है दोस्तों लेटर डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें। ठीक है दोस्तों यहाँ पे से आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए प्रिंट योर यहाँ पे लेटर या एडमिशन का जो लेटर है दोस्तों नामांकन हेतु अपना जो सूचना पत्र है ठीक है दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या बारकोड यहाँ पे जो है डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने जो दोस्तों मोबाइल नंबर जो एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर दिया यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे इसके बाद कैप्चे कोड जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ये कैप्चे कोड जो है यहाँ पे 942660 ठीक है ये भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा तो आपको जो है सारा जो है आपका जो है डिटेल निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों नामांकन के रिगार्डिंग सारा डिटेल निकल आएगा। आप इस कैप्चे कोड को जो है दोस्तों बदल भी सकते हैं ठीक है, अगर आपसे गलती हो जाए तो इसको आप ऐसे इस पर क्लिक कीजिए तो ये आपका बदल भी जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए ये आपका फिर दोबारा देखिए बदल गया। यहाँ पे आपको क्या बारकोड आपका जो भी बारकोड है वो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है जो भी मोबाइल नंबर है वो अपना भरिए। ठीक है और यहाँ पे ये कैप्चर कोड भरिए। ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आपकी जो है सूची जो है जारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का जो है एडमिशन से रिलेटेड जो है, और आप लोगों को बता दोस्तों इसमें जो एडमिशन है दोस्तों ये सेकेंड कट ऑफ लिस्ट के अनुसार अगर नाम आया तो आप कब तक एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें एडमिशन का जो डेट है दोस्तों ये आज से लेके 25 अगस्त से लेके दोस्तों 25 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक आप लोग क्या कर सकते हैं एडमिशन जो है करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है 25 अगस्त से 29 अगस्त तक आप लोगों का एडमिशन होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्कूल में। ठीक है दोस्तों इस तरह से आप अपना नामांकन कराइए दोस्तों। ठीक है जहाँ भी आप लोगों का, अगर आप लोग दोस्तों वैसे भी स्टूडेंट है जिनका जो है सेकेंड कट ऑफ लिस्ट में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे दोस्तों, नाम नहीं आ पा रहा है उनका, तो वो लोग जो है तीसरी सूची का इंतज़ार कीजिए। तीसरा सूची भी निकाला जाएगा 10 दिन के अंदर में, आप लोगों को तीसरा सूची भी निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे घबराइए मत कि दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सारे स्टूडेंट जो भी पास हैं सारे स्टूडेंट का जो एडमिशन हो जाता है बिहार बोर्ड, बहुत सारी सीट खाली रहती है। ठीक है दोस्तों तो सारे स्टूडेंट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं बचता है जो दोस्तों जिसका एडमिशन नहीं होता है। अब अगर जो सेकेंड सूची में जिनका भी नामांकन नाम नहीं आ पा रहा है दोस्तों, जो भी क्या क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो घबराइए नहीं, थर्ड सूची का इंतजार कीजिए दोस्तों, आप लोगों का नामांकन जो थर्ड सूची में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।